सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। आज कथा का चतुर्थ दिवस था और इस दिवस में देख रहे होंगे कि आप इस समय पंडाल खाली हो चुका है और पंडाल से महाराज जी जा चुके हैं। लगभग 7:45 बजने वाला है और आज भगवान श्री राम की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ। कल जो है उनका राम और सीता के विवाह का वर्णन होना है। ये जो सामने आप वीडियो में अभी देख पा रहे हैं, ये सिर्फ श्रद्धालु या भक्त नहीं है जो पंडाल में आए हैं, ये जो श्री राम कथा सेवा समिति है उस समिति की बहनें हैं और यहाँ पर पूरे तन मन से लगी हुई हैं, पूरा समय दे रही हैं। ये प्रभु राम के प्रति उनका समर्पण है। आइए कुछ थोड़ी सी बात करते हैं कि कैसा सेवा समर्पण रहा और कैसा आनंद रहा, किस तरीके से व्यवस्था रही जी, बताएं नीता दीदी हैं। ये सेवा का यहाँ का व्यवस्था, हम तो नीता चौबे यहाँ के कार्यकर्ता हैं और ये सब हमारे भाई हैं और ये पंडाल हैं और हमारी सारी बहनें हैं। इतना अच्छा लग रहा है यहाँ का कि अब हम लोग अपने मुँह से क्या वर्णन करें, पर यह है कि आप लोग एक बार आएंगे तो जरूर यहाँ से लौट के नहीं जाएंगे, सोचेंगे कि हाँ पूरी कथा देखने जितने दिन 5 दिन के बाकी है। 4 दिन कैसे बीत गए पता नहीं चला, पता नहीं लगा। और हम लोग को जो है थकान तो होता ही नहीं है, इतना मतलब दूसरे दिन का इंतजार रहता है कि कब चले और 2 बजे और हम लोग वहाँ कथा पंडाल में पहुँचे। और आप लोग भी एक बार आइए, हम लोग से विनती है। आज उनके बाल्यकाल का वर्णन था और आज उनका वन भी प्रस्थान हुआ और संजू श्रीवास्तव और कल उनका विवाह का पूरा हम लोग लीला का वर्णन करेंगे और देखेंगे सुनेंगे। महाराज जी जो आए हैं उनके आने से ये पवित्र हो गई, ये ओबरा नगरी एकदम पवित्र हो गई। इतना सुंदर माहौल इस पंडाल का, मतलब समझिए कि एकदम पंडाल भर जा रहा है, लोगों से जगह नहीं मिल रही है। स्तर पे लोग नाम तो एक बार सुन रहे होंगे कि भाई राजन जी की कथा चल रही है, राजन जी महाराज की। बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, आपका सौभाग्य है जो ये कार्य करने का मौका मिला। थकान तो एकदम नहीं है, धरती तो ओबरा की पुण्य है ही लेकिन, और ये सौभाग्य हम लोग कई कई बार कह चुके कि हम लोग का परम सौभाग्य है। आप लोग कुछ कहना चाहेंगी, नाम बताने के साथ साथ बोलिएगा। मैं वीना पांडे, मैं यहाँ की कार्यकर्ता हूँ और इस कथा से इतना अच्छा लग रहा है हमको, यहाँ का ये सब साज सज्जा और महाराज जी के आने से धरती पावन हो गई है। उनकी कथा चल रही है, आज उनकी कथा में भगवान जी विश्वामित्र के साथ गए हैं राक्षसों का वध करने, यहाँ तक की कथा हुई है अभी और इस कथा से हमको बहुत अच्छा लगा। आप बोले। मेरा नाम उषा शर्मा है और कल भगवान जी की कथा है और उस शादी भी श्री रामचंद्र जी की कल शादी भी है और हम लोग आज से ही, हमें कल कैसे आना है, क्या पहनना है, क्या करना है, हम लोग आज से ही उत्साहित हो रहे हैं कि कल हम लोग राम जी की शादी को देखें और इसके लिए श्री रामचंद्र जी को हम लोग। मैं ममता श्रीवास्तव, मैं इस कथा को श्रवण कर रही हूँ और इतना आनंद महसूस कर रही हूँ। गुरु विश्वामित्र जो राजा दशरथ के गुरु थे, उन्होंने आकर राजा दशरथ से कहा कि हे गुरुवर, आप हमारे बच्चों का शिक्षा दीक्षा, और गुरु ने खुद मांगा उनसे कि आप अपने बच्चों को, क्योंकि असुर शक्तियाँ जो थी उनके हवन और पूजन और कार्यक्रम को हमेशा विघ्न दे रहे कर रही है। आज के प्रसंग में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा? आज के प्रसंग में मैं पुष्पा दुबे और यहाँ के कार्यकर्ता हूँ राम कथा का, और यहाँ का सबसे अच्छा ये लगा जो आज जनेऊ संस्कार हुआ है श्री रामचंद्र भगवान का और कल शादी है, इसके लेके हम लोग बहुत उत्साह हैं, बहुत मन में है कि पहली बार इतना बड़ा कथा ओबरा के अंदर हो रहा है और हम लोग बहुत खुश हैं इसको लेके। आपको सबसे अच्छा प्रसंग क्या लगा, नाम बता के आगे बढ़ें। सरिता सिंह जी। देखिए अगर कहा जाए तो गुरु जी के जो भी एक एक भजन हो गए या फिर जो सोहर गए सब अतुलनीय है, किसको कहा जाए कि क्या अच्छा लगा, पूरा माहौल ही इतना अच्छा है। वो बता रहा माहौल की क्या क्या माहौल है और वही बता रहा, वर्णन कर रहा है कि हम क्या वर्णन करें, मतलब उनके अगर गुणगान करें तो वो छोटा शब्द हो जाएगा हम लोग के पास, वो शब्द नहीं है। तो ऐसे है कि मतलब एकदम रमा देते हैं। हाँ वही बात कह रहे हैं, फिरकने लगता है। जय श्री राम। अब देखिए, हमारा नाम तो बम्भोले बाबा है और ख़ासकर हम मानस से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, लेकिन ये आज जो जो कथा चली, इस कथा में सबसे गूढ़ बात जो महाराज जी ने बताई कि जब भगवान राम को मांगने के लिए विश्वामित्र जी पहुँचे तो यहाँ 2 शब्द उन्होंने रखा कि जो है चिंता, तो मैं चिंता शब्द का तो वर्णन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन महाराज जी ने, विश्वामित्र जी ने चिंतन किया,
चिंतन और चिंता में अंतर है। चिंतन क्या है कि जो है चिंतन से समाधान की रास्ता निकलती है और चिंता से जो है शरीर क्षय हो जाता है। इसलिए चिंतन किया विश्वामित्र ने, चिंतन करने के पश्चात महाराज जी के यहाँ पहुँचा राजा दशरथ के दरबार में और मांग भी रहे तो पुत्र के रूप में, तो राजा दशरथ जैसे चक्रवर्ती धर्मात्मा सम्राट को भी मुंह एक बार अपने तरफ खींच ली। यही प्रसंग जो रहा महाराज जी का एकदम पूर्ण रूप से इस पर फोकस रहा। लोग समझें होंगे, समझ गए ही होंगे, लेकिन वैसे धर्म सम्राट चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र मुंह में आकर के एक बार उन्होंने भगवान राम को विश्वामित्र को साथ में भेजने के लिए उनका मन हिल गया। इसलिए कहा कि देहु राज धन पुरकर कोसा, मतलब धन भूमि पूरा जो मांगिए हम दे देंगे, पूरा कोष खाली कर देंगे, लेकिन कह रहे हैं कि सब सुत मोरे प्राण की नहीं, सारे पुत्र मेरे प्राण के समान है, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। विशेषकर राम पर जो उनकी ममत्व थी, जो मुंह उनको खींचा, यही सबसे बड़ा भाव उनका महाराज जी के मुखारविंद से हमको जो लगा। मैं इसी विषय पर जो है आपसे जय श्री सीताराम, बहुत सुंदर कथा हो चल रही है, उसमें मैं एक सेवक के रूप में, यज्ञ है कथा नहीं है, ये यज्ञ है। राम कथा जहाँ जहाँ भी होती है ये यज्ञ होती है। यज्ञ न जगह मजंतस्त देवास ताणि धर्माणि प्रथमन्यासन्नते हनाकम महिमान सन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। तमाम 33 करोड़ कोटि देवताओं का यहाँ वास, और खास करके कलयुग के चिरंजीवी जो हमारे हनुमान जी महाराज हैं जिनके मैं अनन्य भक्त हूँ महादेव का, वो खास करके यत्र यत्र रघुनाथ कृतिम तत्र तत्र कृतमस्त कांजनेयम, जहाँ जहाँ राम की चर्चा होती है वहाँ हनुमान जी अदृश्य दृश्य रूप में रहते हैं। बोलिए बजरंग बली की जय, हर हर महादेव।